चिल्ड्रन, आज हम केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है सॉल्यूशन, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर का जो एमपी बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए जो ब्लूप्रिंट है वो 2+3 का है, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का और एक क्वेश्चन 3 नंबर का। टोटल 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। चैप्टर का नाम जैसा डिस्कस किया है सॉल्यूशन है, तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि सॉल्यूशन है क्या चीज, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन को डिस्कस करने के लिए हम लोग इसके डेफिनेशन पे चलते हैं। द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, यानी 2 या 2 से ज्यादा के सब्सटेंसेस का जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है वो सॉल्यूशन कहलाता है। अब बात करते हैं होमोजेनियस मिक्सचर क्या है। देखिए, अगर हम बात करते हैं मिक्सचर, 2 या 2 से ज्यादा की चीजों को मिलाते हैं तो वो कहलाता है मिक्सचर। अब मिक्सचर 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस और एक होता है हेटरोजेनियस। होमोजेनियस वो मिक्सचर होता है जिसके कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट मिले होते हैं उनको हम अलग अलग सेपरेट नहीं कर सकते हैं, वो होमोजेनियस मिक्सचर कहलाते हैं। और जिनके कंपोनेंट को हम अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं वो कहलाता है हेटरोजेनियस मिक्सचर कहलाता है। तो जो सॉल्यूशन है वो एक प्रकार का होमोजेनियस मिक्सचर ही है, ठीक है। आप सॉल्यूशन के एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे सिरप शुगर सॉल्यूशन जो है वो एक सॉल्यूशन का एग्जांपल है। दूसरा जो ब्रॉस है, एक प्रकार का एलॉय है वो, और ये होमोजेनियस मिक्सचर होता है कॉपर का और जिंक का। तो ये हो गए एग्जांपल्स। अब बात करते हैं मित्रों कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन के। तो सॉल्यूशन पे मेनली 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है बेटा सॉल्वेंट। ऐसा कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में लेस इन अमाउंट होता है, जो सॉल्यूशन में लेस इन अमाउंट होता है वो कहलाता है सॉल्यूट, और जो लार्ज इन अमाउंट होता है वो कहलाता है सॉल्वेंट। जैसे अगर हम एग्जांपल में डिस्कस करते हैं कि शुगर सॉल्यूशन को एग्जांपल की तरफ से लेते हैं, जिसे अपन सिरप भी कहते हैं, शुगर सॉल्यूशन को सिरप भी कहते हैं, तो उसमें 2 चीजें मिली हुई होती है, एक तो होता है शुगर और एक होता है वाटर। आप लोग देखते हैं कि शुगर जो है वो लेस अमाउंट में होती है इसलिए ये सॉल्यूट होता है, और वाटर जो है वो लार्ज अमाउंट में होता है इसलिए क्या कहलाता है सॉल्वेंट कहलाता है। ये तो था इंट्रोडक्शन का पार्ट। अब बात करेंगे हम लोग क्लासिफिकेशन के पार्ट में।